मोदी के मंत्री का रिएक्शन, ममता के मंत्री की गिरफ्तारी पर जैसी करनी वैसी भरनी, राजस्थान संत के आत्मदाह पर केंद्रीय एजेंसियों से भी हो सकती है जांच। मुरादाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भानु प्रताप सिंह वर्मा ने ममता बनर्जी की मंत्री की गिरफ्तारी पर बोलते हुए कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। दरअसल मोदी सरकार के मंत्री आज मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, जहां पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ममता बनर्जी को आईना दिखाते हुए कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और जहां तक सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों की बात है तो वो स्वतंत्रता से अपना काम करती हैं और कर रही हैं। वो देखती हैं कौन कहां भ्रष्टाचार कर रहा है, वो जांच करती हैं और उसी आधार पर कार्यवाही करती हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ है। वहीं जब मोदी के मंत्री से पूछा गया कि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है तो आज क्या स्थिति है, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आप देख सकते हो ईडी ने कांग्रेस की मुखिया को ही बुला लिया, जो करोड़ों रुपए की मालकिन है और एक बड़ी पार्टी की मुखिया है, और एक महिला वह जो गरीब आदिवासी से आई है जो कल महामहिम राष्ट्रपति की शपथ लेंगी, तो आप समझ सकते हैं। वही राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ एक संत द्वारा आत्मदाह करने के सवाल पर बोले कि पहले तो पूरे मामले की जांच राजस्थान सरकार को ही करनी चाहिए और अगर कोई केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग करेगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। विशेष रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके जो 20 साल से ज्यादा समय उन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए जो काम किया है, उन्होंने जो योजनाएं देश को दी हैं, उन्हें सारी चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ आज आए थे और जनता के बीच हम लोगों ने वो सारी बातों को रखा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। चाहे वो कोरोना काल हो, कोरोना काल में इस देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न देने का काम किया है। हमारे देश में जो गरीब लोग थे जिनके पास कभी सपने में सोच भी नहीं सकते थे कि हम पक्के मकान में रहेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें पक्का मकान देने का काम किया है। इसी तरीके से हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से वो अपना छोटा सा काम कर सकते हैं, खाद खरीद सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं, उसके लिए साल में 6000 रुपये देने का काम किया है। इस तरह से ढेर सारी योजनाएँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनकी है, उन्हीं योजना का भरे विशेष रूप से ममता जी के मंत्री हों या किसी के भी मंत्री हों, विशेष रूप से जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, ये स्वतंत्र एजेंसी हैं, केंद्रीय स्वतंत्र एजेंसी हैं, उस स्वतंत्रता से काम करती हों, देखती है कि कहीं कोई गलत क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है और गलत काम कौन कर रहा है, तो उनमें वो जांच करती है और जांच के आधार पे वो अपनी कार्रवाई करती है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही हैं, सरकार को अपना काम करना है, देश की सेवा करना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश की सेवा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से आप देख सकते हो कि ईडी ने कांग्रेस की मुखिया को ही बुला लिया, एक देख जो करोड़ों रुपए की मालिक है, इतनी बड़ी पार्टी की मुखिया रही है और ईडी ने उन्हें बुला लिया है। एक वो महिला है और एक महिला वो है जो गरीब परिवार आदिवासी से आई है।